सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो फाइनली ज़ेब्रोनिक्स भी कूद चुका है दोस्तों एक बैटल में, जहां पे ज़ेब्रोनिक्स भी बेचेगा लैपटॉप इंडिया में। तो कुल मिला के आप लोग यहां पे देख सकते हैं 3-4 टाइप के लैपटॉप्स इन लोगों ने जो है यहां पे लॉन्च किए हुए हैं। और इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग वेरियंट मुझे लगा, दैट इज द टॉप एंड मॉडल NBC 5S, जहां पे आप लोगों को 16GB रैम मिलती है, 1TB ऑफ सेटा SSD मिलती है, और साथ में i7 12th generation का प्रोसेसर भी जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप प्राइस देखेंगे ना, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। 53,000 rupees के अंदर में जो है ये पैकेज आपको मिलता है। लेकिन अगर आपको इसे लेना है तो सबसे सही टाइम जो है दोस्तों अभी है, बिकॉज अमेजोन की जो यहाँ पे सेल चल रही है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, यहाँ पे अगर आप लोग SBI का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आप लोगों को ये जो सेम लैपटॉप है 48,490 rupees का जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उस प्राइस पे ये वाली डील काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। तो एक एक करके समझेंगे कि हाउ ज़ेब्रोनिक्स इज एबल टू ऑफर सच ए पैकेज इन सच ए लो प्राइस। तो कहीं ना कहीं से कॉस्ट कटिंग ऑब्वियसली कंपनी ने की हुई है, और मेरा ऐसा कोई दोस्तों बोलने का ये मीनिंग बिल्कुल नहीं है कि ज़ेब्रोनिक्स ने ये काम अच्छा नहीं किया हुआ है। हर कंपनी करती है कॉस्ट कटिंग, और ये इंडियन मार्केट के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, बिकॉज जितने ज्यादा कॉम्पिटेटिव लैपटॉप्स इंडिया में आएंगे, उतने ज्यादा जो है ट्रेडिशनल कंपनीज हैं, जैसे कि ASUS, Dell हो गया, HP हो गया, Lenovo हो गया, जिन्होंने अपने लैपटॉप के दाम काफी जरूरत से ज्यादा इंडिया में बढ़ा के रखे हुए हैं, वो फोर्स हो जाएंगी कि उनके जो लैपटॉप्स हैं उनके दाम कम करें, ताकि कंपटीशन में कहीं ना कहीं वो जो है टिक पाए। तो इनके चलते हैं दोस्तों यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां पे इन लोगों ने लिस्टिंग काफी ज्यादा अच्छी की हुई है। तो एक एक करके हम लोग कॉस्ट कटिंग के पॉइंट को यहां पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आती है दोस्तों यहां पे चार्जिंग को लेके। देखिए, टाइप सी 65 वॉट चार्जिंग आप लोगों ने बहुत सारे लैपटॉप्स में देखी होगी, लेकिन दोस्तों फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग कि कोई भी लैपटॉप 65 वॉट टाइप सी फास्ट चार्जिंग में भी जो है 3 घंटे ले रहा है। ठीक है, 10 घंटे का बैटरी बैकअप दे रहा है और 3 घंटे जो है ये चार्जिंग में ले रहा है, तो काफी स्लो चार्जिंग है कहीं ना कहीं यहाँ पर। ठीक है, और इतना ही नहीं, ठीक है, हो सकता है कि ज्यादा टाइम ले रहा हो, बड़ा बैटरी पैक हो, ऐसा भी नहीं है। 38 वॉट का जो है यहाँ पे जस्ट आपको जो है वॉट आवर का बैटरी पैक देखने को मिलता है, वेरस मेरे अगर मैं लैपटॉप की बात करूं तो वहां पे 80 वॉट आवर का बैटरी पैक है दोस्तों, और जस्ट 45 वॉट का जो है उसका चार्जर सप्लाई किया गया है, एंड मुश्किल से उसको जो है हार्डली 1 आवर या फिर 80 मिनट्स ऐसा कुछ लगता है। तो यहाँ पे भले ही टाइप सी फास्ट चार्जिंग दी हुई है, लेकिन लैपटॉप को चार्ज होने में आपको 3 घंटे यहाँ पे लगेंगे, और बैटरी पैक भी जो है छोटा है 38 वॉट आवर का, तो इसलिए कहीं ना कहीं प्राइसिंग थोड़ी यहाँ पे कम है। फिर बात आती है दोस्तों यहाँ पे SSD को लेके। नाउ जो बाकी दूसरे कॉम्पिटिटिव लैपटॉप्स हैं वो कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं दोस्तों NVMe SSD, लेकिन यहाँ पे आप लोग पाएंगे कि सेटा SSD जो है ज़ेब्रोनिक्स इनके लैपटॉप में यूज कर रहा है। Now, मेरा ऐसा बोलने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये बहुत स्लो है एज कम्पेयर टू NVMe SSD, लेकिन अगर आप लोग इसे हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में देखेंगे, सो लॉट मोर फास्ट एंड लॉट मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू योर ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क। ठीक है, तो उस मामले में सही है, लेकिन प्राइस के मामले में देखें तो 1TB की M.2 सेटा SSD 2,000 से 3,000 rupees सस्ती है as compared to 1TB of NVMe Gen 4 SSD। ठीक है, तो यहाँ पे 3,000 से 4,000 rupees इन लोगों ने ऐसे बचाए हुए हैं। फिर बात आती है दोस्तों प्रोसेसर को लेके। नाउ बहुत सारे ऐसे लैपटॉप्स हैं जो कि नए नए लॉन्च हो रहे हैं, वो G सीरीज के प्रोसेसर के साथ में लॉन्च हो रहे हैं, वेरस अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों ये 15W का U सीरीज का लैपटॉप है। बिकॉज देखिए, ये लैपटॉप किसी भी एंगल से स्लिम एंड थिन नहीं है, 1.8 केजी जो है दोस्तों इसका वेट है, तो स्लिम एंड थिन तो आप जो है बिल्कुल यहाँ पे भूल ही जाइए। तो इतना मोटा लैपटॉप है, कूलिंग के लिए काफी अच्छी जगह है, तो इजीली वो लोग पी सीरीज का प्रोसेसर जो है यूज कर सकते थे, लेकिन फिर भी इन लोगों को स्पेसिफिकेशन वॉर थोड़ा यहाँ पे खेलना था, तो 15W का जो है यू सीरीज का इन लोगों ने थोड़ा अल्ट्राबुक वाला प्रोसेसर यूज किया हुआ है, जो कि उतने ज्यादा हाई एंड टास्क नहीं कर सकता एज कम्पेयर टू दी पी सीरीज। ठीक है, तो पी सीरीज का ना यूज करके यू सीरीज का यूज किया हुआ है, तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे इसकी कॉस्ट कम है। फिर बात आ जाती है दोस्तों स्क्रीन को लेके। इनकी पूरी वेबसाइट छान मारो, इन लोगों ने स्क्रीन के बारे में कुछ भी मेंशन